हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियोस में। मैंने अपना चैनल में वीडियोस अपलोड किया था हाउ टू डाउनलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑनलाइन, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि चाहे आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करो या इंटरनेशनली ट्रैवल करो या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाओ, ज्यादातर जगह में आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड और नॉट। अगर येस तो प्लीज शो योर वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो लाइक अदर आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आपके पास रखना कंपलसरी हो चुके हैं। लेकिन काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे करेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपके नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या कुछ और गलत हो सकता है, लाइक आईडी नंबर आपने गलत डाल दिया, तो उसको कैसे करेक्ट करना। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसको ऑनलाइन करेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल 2 मिनट का काम है, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे हाउ टू रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, शायद आपके कभी काम में आ जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। जी हाँ, ऑन हो गया। 2-3 चीज आपको बता दूं, माइंड में आपको रखना होगा। आप ये वाला जो चेंजेस को इन वेबसाइट से जो मैं अभी बताऊंगा उसके थ्रू आप कर सकते हो। सेकेंड, एट ए टाइम आप 2 चेंजेस कर सकते हो, सिर्फ 4 चेंजेस का ऑप्शन है, क्या क्या है नहीं है मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन एट ए टाइम आप 2 चेंजेस कर सकते हो और सिर्फ एक ही बार आप एडिट कर सकते हो, एक ही बार चेंज कर सकते हो, राइट। और इसका जो इंपैक्ट आएगा ओनली फाइनल सर्टिफिकेट, इट मींस अगर आप फर्स्ट वैक्सीन सर्टिफिकेट लिया, सेकंड वैक्सीन सर्टिफिकेट लिया, फर्स्ट में भी नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं आएगा, ओनली फाइनल जो वैक्सीन सर्टिफिकेट उसके ऊपर इंपैक्टेड आएगा। जो फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे उसी में सारे चेंजेस होकर दिखाएगा। ओके, चलिए मैं अपना कोविन यहां वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सिंपली आपको क्लिक करना होगा और सीधा यहां पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको करना होगा कोविन वेबसाइट्स यहां पे, और यहां पे जो आ रहा है ना रजिस्टर और साइन इन, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। रिमेंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने साइन इन किया था, रजिस्टर करके आपने वैक्सीन लगाया था, इन दैट टाइम सेम मोबाइल नंबर यहां पे डालना होगा। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं इसको ब्लॉक कर रखा, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैसेज और कॉल आते रहता, परेशान हो जाता हूं मैं। ओके, उसके बाद करना होगा सिंपली गेट ओटीपी। जैसे ही मैंने गेट ओटीपी मैंने क्लिक किया, आप देखता हूं मेरे पास ओटीपी आ गया कि नहीं। यस, आ गया, इसी मोबाइल में आ गया, 8845338845333, ये वाला तो आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, अब मेरा ये सारे यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो एक ऑप्शन आ रहा है ना रेज एन इशू, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा, राइट। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पे क्या क्या आपके ऑप्शंस है, क्या क्या करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन इन माय सर्टिफिकेट, नेम, एज, जेंडर, फोटो आईडी, 4 में से कोई एक अगर चेंज करना तो यहां क्लिक करोगे, मैनेज टू डोज, अगर आपको ये सब करना है तो ये सब ऐसे इररिलेवेंट है आपके लिए, लेकिन आप इन सबको अभी इग्नोर करो, राइट। तो अगर आपको चेंज करना है सिंपली आप क्लिक करोगे इनके ऊपर, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर वगैरह अगर ट्रांसफर करना है, चेंज करना है, वो सब इसके ऊपर है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियोस लंबा हो जाएगा। स्पेशली मैं आज मैं कवर कर रहा हूं आप कैसे अपना ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हो, सिंपली क्लिक करना होगा इसके ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना होगा मेंबर्स, कौन सा मेंबर के ऊपर आप क्लिक करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे 4 मेंबर दिख रहा है मेरा मोबाइल नंबर में, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला देख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फोटो आईडी। फोटो आईडी मींस आपके जो भी आधार कार्ड आपने डाला था, अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक आपने गलत डाल दिया था उसको आप ठीक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि जेंडर आपने बाय मिस्टेक गलत डाल दिया उसको आप चेंज कर सकते हो, ईयर ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हो, नेम के स्पेलिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे करोगे आपको कोई भी एक फोटो आईडी अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करना होगा, सिंपल सी बात है, इतना सा चेंज करने के लिए। जैसे यहां पे करोगे आप अपना करेक्ट नेम डाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इतना करने के बाद जैसे कंटिन्यू कर दोगे, सबमिट कर दोगे, मैं अभी इसीलिए नहीं करूं बिकॉज मेरा जितना भी मेंबर्स यहां पे रजिस्टर है एवरीथिंग इज करेक्ट, तो मेरे को दोबारा चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा फाइनल सर्टिफिकेट में। जैसे ये कर दोगे विद इन फ्यू डेज, मे बी विद इन अ वीक, आपके जो फाइनल सर्टिफिकेट है उसके ऊपर अपडेशन हो जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हो कहीं भी, जब भी आप ट्रैवल करोगे, चाहे लोकली हो, डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली हो,
कहीं भी जाएगा भी जाके उसको यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस. बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट में कैसे आप ऑनलाइन जाके एडिट कर सकते हो, कैसे आप अपना रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, चाहे नेम हो जाए, चाहे ईयर ऑफ बर्थ हो जाए, चाहे फोटो आईडी हो जाए या जेंडर हो जाए. ओके, वीडियोस कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना. अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी. थैंक यू सो मच.